वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो आप मेरे चेहरे पर उदासी देख रहे हैं इसकी खास वजह है वो ये कि इससे ठीक एक हफ्ता पहले मैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ था जिसकी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई थी और मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी। खैर, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं 6 दिनों के लिए गवादर जा रहा था और इतना एक्साइटेड था जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको भी मड वॉल्केनो दिखाते हैं, वो कैसा वो बाप देखे। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे छोटे से पहाड़ के ऊपर लेके जा रहे हैं जिसके अंदर से ये नज़ला ये मड निकल रहा था, लेकिन जब ऊपर जाके देखा तो बॉस वहाँ के तो नज़ारे कुछ अलग थे। वो दूर हमारा क्रू खड़ा हुआ था, वहाँ से उड़ाना था उन्होंने ड्रोन और लाना था इस तरफ। ड्रोन उड़ ही रहा था कि अचानक से गुड़गुड़ की आवाज़ आई, फिर हमें एहसास हुआ बॉस मड बॉल कहना है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये मेरे फादर बने हुए हैं और मैं इनको घुमाने लाया हूँ बलोचिस्तान, और आप जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है एक TVC शूट करने में। मड वॉल्केनो के बाद अब हम लोग जा रहे थे प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ। ये दोनों जगह हिंगोल नेशनल पार्क में पाई जाती हैं और वहां के क्या नजारे वो अब आप खुद देखिए। यहाँ पर शॉट देने के बाद हम अपने गेस्ट हाउस वापस गए, खाना बनने का इंतजार किया, रिवायती रक्स किया और फिर अगले दिन सुबह शूट की तैयारी की। अच्छा जी, सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वक्त मैं बलूचिस्तान की पहाड़ियों में हूँ। अब हम जा रहे थे गवादर के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंटेन ऑफ लाइज की तरफ, जिसको उर्दू में कोए बातिल भी कहा जाता है, और वहां के नज़ारे कुछ इस तरह से थे। गवादर पूरी दुनिया का डीपेस्ट सी पोर्ट है और कहते हैं ये छोटा सा शहर पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। गुजरात पास से शुरू होने वाला रास्ता भी यहीं आके खत्म होता है और यहाँ आते ही आपका मूड बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तान आर्मी देख रही है, तो टेंशन की तो बात है ही नहीं बॉस। बलूचिस्तान में ऐसी कई सारी जगहें जो अभी तक हमने एक्सप्लोर की ही नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि एक ना एक दिन मैं पूरा बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान ऐसे एक्सप्लोर करूं और आप सबको दिखाऊं कि कितना खूबसूरत है मेरा पाकिस्तान। खैर, ये तो थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।